यूपी विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले यूपी की सियासत में जोर अजमाइश तेज हो गई है। मायावती ने बीएसपी के जिन विधायकों को पार्टी से निकाला था, उन्होंने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की तो आज मायावती ने अखिलेश पर जबरदस्त पलटवार किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव को जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद की संकीर्ण राजनीति में माहिर करार दे दिया। मायावती ने एक के बाद एक कुल 5 ट्वीट्स के जरिए अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, घृणित जोड़ तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे ये प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा, जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में अखिलेश यादव को आगाह करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी में बगावत हो जाएगी। उन्होंने लिखा, सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी की यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को अतुर बैठे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव को घेरते हुए भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर से बदलने का जिक्र करते हुए अपने चौथे ट्वीट में अखिलेश को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने लिखा, जग जाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया व खासकर भदोही को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति निंदनीय है। मायावती ने अपने 5वें ट्वीट में यूपी पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए अखिलेश पर पैंतरेबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगा। मंगलवार को बीएसपी से निकाले जा चुके 9 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यही बात तो मायावती पहले ही कह चुकी हैं। मायावती ने इन सभी विधायकों पर पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में कार्रवाई की और सभी को पार्टी से निकाल दिया था। पिछले साल यूपी की सीटों पर राज्यसभा के लिए हुए चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मायावती ने इन सभी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि वो बीएसपी की ओर से रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने में कामयाब रही थी। मायावती ने जिस तरह से बेहद सख्त लहजे में अखिलेश यादव पर हमला बोला है, उससे साफ है कि वो अखिलेश यादव से जबरदस्त नाराज हैं। इससे यही संकेत मिलते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी पारा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। लेकिन बीएसपी में जिस तरह से फूट पड़ी है और उसके विधायक पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, उसे बीएसपी के लिए भी खतरे की घंटी माना जा रहा है। असलम रायनी, असलम अली चौधरी, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय, अनिल सिंह, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, ये उन विधायकों की लिस्ट है जिन्हें मायावती अब तक पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। ऐसे में अगर एक और विधायक पार्टी से बगावत करता है तो ये सभी मिलकर नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर यूपी विधानसभा चुनाव से महज चंद महीने पहले बीएसपी के अंदर जो घमासान मचा है, उसका असर सिर्फ बीएसपी पर ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में एक्टिव हर पार्टी पर होगा। आपका इस मसले पर क्या कहना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।